तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 31 दिसंबर है, तो आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हम आपको लेकर चलेंगे द ग्रेट खलीकर ढाबे पर। वहां पर WWE की रेसलिंग जो होती है वो भी आपको दिखाएंगे, उनसे मिलवाएंगे भी और दिखाएंगे वहां का माहौल क्या है। चलो आपको लेकर चलते हैं WWE के सेट पर और आपको मिलवाते हैं द ग्रेट खली से और इंजॉय करते हैं 31 दिसंबर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करेंगे वहां पर। चलो चलते हैं। चाहते क्या तो जानते हैं वो उठेंगे तो क्या नाम होता है। जबरदस्त लेग ड्रॉप मारी है, कवर किया है, 1 2 दूसरे फिर से किक आउट किया है बब्बर ने, मगर इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे क्योंकि 7 फीट लंबे रेसलर को हराना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन रॉयल अपनी प्रयास ज्यादातर जारी रखा है और किक पे मार रहे हैं। इस्तेमाल नहीं कर सकते इनका और एक जबरदस्त क्लोज लाइन गेम आ रही है कॉर्नर पे। और दूसरी किक मारी है, तीसरी किक मारी है, ज्यादातर किक पे किक बरसाए जा रहे हैं बब्बर के पेट पे। रॉयल चाहते हैं कि बब्बर को बुरी तरीके से घायल कर दें ताकि उसे हराने में आसानी हो और किसी लूप की तैयारी में जा रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बब्बर बहुत भारी है और उठाना मुश्किल है। और ये दोबारा कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, इस बार ब्लॉक किया यार, ये सुप्लेक्स मारी है जबरदस्त सुप्लेक्स बब्बर ने। रॉयल ने 2 बार प्रयास किया लेकिन निपुण रहे और तीसरी बार बब्बर ने ही दे दिया सुप्लेक्स। दोनों ही रेसलर इस वक्त डाउन है, रेफरी चेक कर रहे हैं उन्हें और फाइट के लिए खड़े होने का इशारा है। चालू हो गया काउंट डाउन, 2 3 रेफरी द्वारा ये 4 का इशारा, दोनों ही रेसलर अभी भी डाउन है, 5। अगर 10 तक ये नहलाना नहीं उठे तो मैच ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन दोनों ही रेसलर अब तक घुटने पे आ चुके हैं, 7 को इशारा हो चुका है और दोनों आगे थे धीरे धीरे खड़ा हो रहे हैं 1-7 और खड़े हो चुका दोनों आगे इसमें खड़ा और ये जबरदस्त क्लोज लाइन जो मारी है बब्बर ने और कॉर्नर पे स्पेस दे मारा है जबरदस्त। लिप किया है, लिप रिवर्स करने की कोशिश कर रहे थे रॉयल लेकिन बब्बर ने रोक दिया, वापस उसी कॉर्नर पे उठा दे मारा है और जबरदस्त स्लैम दे मारा है रॉयल को। रॉयल की बहाल हालत टाइट लग रही है, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 2 किक आउट, रॉयल ने किक आउट किया है इस वक्त। एक पल को लग रहा था कि रॉयल का पड़ा इस मैच में भारी है लेकिन पड़ रहा चुका है इस वक्त और बब्बर अपने फिनिशर के लिए तैयार हो चुके हैं और ये चोक स्लैम के लिए जा रहे हैं बब्बर और ये चोक स्लैम रॉयल ने मिस किया है और पिच किया है कॉर्नर पे, हाथ बकल पे लगा है और ये जबरदस्त जर्मन सुप्रेस दे मारी है रॉयल ने। रॉयल की ताकत का अंदाजा इसे इसी बात से लगा सकते हैं, कर किया है वो, 2 पे की काउट किया है बब्बर ने, रेफरी द्वारा 2 का इशारा, रॉयल विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी बेहतरीन जर्मन सप्लेस के बाद बब्बर की काउट कैसे किया है। और रॉयल जो कि एक मस्कुलर और ताकतवर रेसलर हैं, 7 फुट लंबे रेसलर को जर्मन सप्लेस दिया है, कंधे पे उठाने को फिर कर रहे हैं और उठा भी लिया है, देखना होता है क्या मूव कर सकते हैं, लेकिन बब्बर ने ब्रेक किया है, पुश किया है रस्से की तरफ और ये फिर से दोबारा बदल गया चॉक स्लैम के लिए, देखना होगा क्या होगा, ये सफल होते हैं और ये चॉक स्लैम दे मारा है
फोकस, वन टू थ्री। एक बार भीड़ उमड़ी भीड़ आज खाली ढाबे पे सेलिब्रेट हो रहा है। 31 दिसंबर ये देखिए भूकंप भूक हो रहा है हमारे रूपेश इसके क्या रूप बैठिए आप अपने अपने टेबल पे बैठिए आप ठीक है। अपना फोन शेयर भी करिए फॉलो भी करिए और आज थोड़ा बिजी भी है ठीक है जल्दी निकल कैमरा। थैंक यू यार थैंक यू। आज हम आए थे द ग्रेट गली के ढाबे पर। आपसे जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको द ग्रेट गली के ढाबे पर जाकर हम उनसे मिलवाएंगे, वो आज मिले और आपको दिखाया भी कि जैसे वो सबसे मिलते हैं तो फ्रेंड को कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। ये देखे दोस्तों फन हो रहा है जैसे ये देखिए I'm gonna make you mine।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सब? मैंने आपको WWE की रेसलिंग भी दिखाई और द ग्रेट खली से भी मिलवाया, तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।